इस विषय को पूरे भारत के सभी स्कूलों में गंभीरता से पढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले में आप क्या कहते हैं? नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा मैम, ये बैड टच है, नहीं करना चाहिए। मैम ये गंदा बात है। नहीं, अरे हम तुमको प्यार ना कर रहे हैं। बैड टच है, नहीं करें, नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। दुम उठो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुलेखा। सुलेखा, अरे वाह, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे वाह, कितना क्या पापा का? नहीं मैम, ये बैड टच है। नहीं मैम, नहीं बेटा, अच्छा हम तुम बेटा, नहीं मैम ये बैड टच है। नहीं बेटा, हम तो तुमको प्यार ना कर रहे हैं, कौन बोला है? नहीं मैम, ये बैड टच है। बैड टच है, क्या हुआ? नहीं मैम, ये बैड टच है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये अभी बोले ना, ताली दो, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। ये गुड टच की बैड टच? वाह, कौन सा क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास वन। क्लास वन, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ। तो ये कौन सा टच किए? कौन टच? गुड टच, नहीं वेरी। कौन कौन सा बैड टच होता है? गर्दन छूना होता है, बैड टच, ये सब छाती छूना होता है, बैड टच, ये सब होता है, बैड टच, और ये सब गर्दन होता है, आगे पीछे सब बैड टच होता है। कमर के नीचे छूना गुड टच की बैड टच क्या होता है? तो किसी को बैक टच करने देंगे? हाँ, बैक टच करने दोगी? हाँ, क्या है? अरे नहीं, नहीं ये बैक टच नहीं। देखो बहुत अच्छा, अगर हम बोले भी कि वो बैक टच नहीं है, या अंकल भी बोले कि ये बैक टच नहीं है, तो मानोगे क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली दीजिए। तो सपना बताइए, बैक टच कौन कौन होता है? अच्छा, कोई अगर बैड टच करेगा तो क्या करोगी? बैड टच करने दोगी किसी अंकल को? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। नहीं, तो बैड टच कौन बताया? सीखी हो, वेरी गुड, तो बैड टच करने हम नहीं देंगे। सपना के लिए ताली। छाती को छूना था यहाँ पे, कौन टच?